What are the names of these little? Naam. Ira. Chutki. Ira. तुम लोग देखोगे कि किस तरह से मैं देव की मासी इन दोनों को इनके हवाले कर दूंगी और डॉलर ले लूंगी। माता रानी, आपको हमारी मदद करनी होगी। प्रणाम चेतना जी। नमस्ते। आपने बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं इतने सालों बाद अचानक। All right, that's enough. I'm getting late. चुगल, बोला इसको अपने पैसे दे और निकाल यहाँ से। और आइंदा से ऐसे लोगों को तुम बुलाना मत यहाँ। आइए आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आपको मैं अंडे भी देता हूँ, पैसे भी देता हूँ साथ। आपके पैसे और आपके अंडे। चलो चलो, आउट आउट आउट। चलो चलो, आउट आउट आउट। जाओ जाओ जाओ, गो गो गो। कौन है ये? अब इतने सालों के बाद कैसे आना हुआ? आपने फोन तक भी नहीं किया। अरे कितनी बार फोन किया मैंने, बार बार कट हो रहा था, लाइन में डिस्टरबेंस भी था, मैंने तो तार भी भेजा था, मिला लेकिन पढ़ा नहीं। तार? देवकी, बच्चों के साथ खेलने में इतनी बिजी हो जाती हो? वो ये बच्चे भी ना, हफ्ते में अगर दो दिन इनके साथ ना खेलू ना तो बुरा मान जाते हैं। अब इतने कामों में बिजी रह जाती हूँ कि ध्यान ही नहीं रहा। अब इनको ना ग्रामर रूमा करना था, तो उसके लिए ना एक अंग्रेज की जरूरत थी, तो इसलिए इसको लेके आए, लंबे वाले को। लेकिन कमीना, इतने पैसों का लालची निकला कि देवकी, बच्चों के सामने ऐसी जबान। सॉरी, आप बहुत थकी हुई होंगी, चलिए चलिए आराम करिए। लेकिन मुझे तो बच्चों के साथ। अरे 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 अरे, ये बच्चे भागे थोड़ी जा रहे हैं। बुला गया। अब तू एक काम कर, मैडम जी के लिए ना होटल में एक अच्छा सा कमरा बुक कर ले। हो गया बुक, हो गया अभी। क्यों, होटल क्यों देवकी? मैं तो यहाँ रहूंगी। यहाँ रहेंगी? यहाँ कैसे रह सकती हैं मैडम जी? यहाँ तो एक्चुअली मैं बच्चों के साथ इतनी बिजी में थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप आ रही हैं। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। वैसे भी यहाँ पे कोई कमरा है नहीं आपके लायक, आराम दे। मेरी ईशा, देख मासी कितनी गंदी है, वो अपना कमरा नहीं दे सकती थी? उनका तो कमरा कितना आरामदायक है। मासी झूठी। आजकल के बच्चे देखिए ना, ये लाल परी ना हमेशा ना मुझे ना झूठी साबित करती है। वैसे सही कह रही है, अब मेरे कमरे में सोइए। अब मेरा कमरा क्या है, उसको लगता है आरामदायक है। मेरा क्या है, अकेली जान हूँ, इसके साथ कहीं गद्दे वद्दे में पड़ जाऊंगी। कितनी प्यारी बच्ची। लेकिन बेटा, ऐसी बात नहीं करते, मासी को गंदा नहीं कहते। देवकी, मैंने कहा था ना,
बच्चों के सामने बहुत संभल कर बात करनी चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा बेटा आप भी आओ। हेलो भुल्ला, तू जल्दी से मैडम का सामान सब गाड़ी से निकाल के रूम में ले जा। हाँ सब सब हो गया। थक गई है ना मैडम जी, मेरा तो हाल शबरी से भी बुरा हो गया है। राम जी स्वयं पधारे और यहाँ बेर चखने की बात तो दूर, चुनने का भी वक्त नहीं मिला। बच्चे टाइम लगेगा। ये औरत है कौन जिसे देखकर मौसी के तेवर ही बदल गए? अरे साला क्या ऐसी तैसी कर? दाल पालक पनीर सब आ गया ना पानी, मिठाई मिठाई कहाँ रे? इसके नीचे ये तो रही। बाकी दीदी ये चेतना आ क्यों गई यहाँ पे? क्या पता मेरे कोई बुरे कर्म का नतीजा होगा या इस जन्म में तेरे कोई बुरे कर्म। अरे कुछ पता नहीं, हाथ से डॉलर चले गए डॉलर, मैं तो कभी भूलूंगी नहीं, कभी नहीं। इडियट ये चम्मच यहाँ रखा है। अरे हाँ ये तो ये रही। देख तू भोला, अब से अपने हिस्से का खाना भी देना पड़ रहा उसे। अरे उसकी चिंता नहीं है, मैं और मंगवा लूंगा। चिमर तू कहाँ से लाएगा? बच्चों का खाना खिलाएगा क्या? मैं वो खाना खा सकती हूँ? वो खाना तो इसको भी नहीं दे सकती, शक्ल देखेगी ना तो हमें सूखी रोटी भी ना मिलेगी। ना जी मैंने सोचा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा नाम पुकारने की भी आपको जरूरत ना पड़े। खोले। अब कुछ जानवर था साला, भगा दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आना हुआ इतने सालों के बाद? 10 साल 15 साल के बाद आ पाई है। हाँ हाँ सब बताती हूँ, मुझे सांस तो लेने दे। सॉरी खाने पर बात करते। हाँ ठीक है, मैंने सब लगा दिया है, सब परोस के रख दिया है। यहाँ? पर मैं बच्चों के साथ खाना चाहती हूँ देवकी। अब बच्चों के साथ कैसे खा सकती? क्यों? अब 10 बज रहे हैं, बच्चे तो 8 बजे खाना वाना खा के सो गए होंगे। हाँ वो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। थक गई है ना, लंबा सफर रहा। पैर वार दबा दो। अरे नहीं नहीं देवकी। ये हंटर यहाँ किस लिए? हंटर? ये हंटर अभी आपको बताया ना कि इन लोगों का बड़ा ड्रामा ड्रूमा का शौक है बच्चों का, तो एक एक उनका बड़ा प्रिय नाटक है, क्या नाम है भोला? हंटर वाली। हाँ, हंटर वाली। तो वो उसमें तो मुझे भी काम कराते हैं अपने ड्रामा में। मैंने समझा कि रोज रोज किराया क्या देना, एक बार को पैसा खर्च करके खरीद ही लो। वैसे हाँ तो मैं चलूँ। हाँ? सवेरे जल्दी उठना है, आपकी कोटेज की सब तैयारी करनी है ना। हाँ
मैं भी अभी थोड़ा सा खाकर सो जाऊंगी। बहुत थकान महसूस हो रही है। कल सुबह बच्चों से मिलूंगी और तुझसे भी बात करूंगी। अच्छा अच्छा, गुड नाइट। चल रे पुल्ला, चल चलो दीदी, आराम से सो जाइए। गुड नाइट, खाना खा लीजिए। हाँ मैं से तुझे एक ही शर्त पे अपने कमरे में रहने दूंगी। अरे दीदी, आपका कमरा मेरा कमरा है। खबरदार, तूने जो खराटे लिए ना, तो उसी वक्त तुझे चक करके पैक करके बाहर फेंक दूंगी। पागल हंस रहा है, कितनी सारी प्लानिंग करनी है, आराम से चैन की नींद सोनी है, पता नहीं कब जाएगी ये बुढ़िया। दोनों तो भोला के कमरे की तरफ गए, और इस गब्बर की वजह से हमें समझ नहीं आया कि मासी और चेतना जी के बीच क्या बात हुई। लेकिन सच वृंदा दीदी, मासी को कभी ऐसे नहीं देखा। आपने कभी देखा है? गुलाब जामुन से भी बहुत मीठा। नहीं ठाकुर, मैंने भी मासी का ये रूप पहली बार देखा है। बहुत सारा सामान लाई है चेतना जी, जैसे कि बुरिया बिस्तर बांधकर इधर ही रहने वाली हो। मुझे तो लगता है ये दोस्त फिरंगी से भी बड़ी चीज है। फिरंगी तो खाली वो दो अंडे लेने आया था, कहीं ये पूरा तजबाई में कब्जा ही ना कर दे। हो सकता है, देखा उस फिरंगी को कैसे रफा दफा कर दिया, जबकि उसने पूरे के पूरे पैसे लाया था। मासी ने फिरंगी से तो यूं ही बात की, लेकिन चेतना जी से हाथ जोड़कर, मुंह नीचा रखकर, और इनके सामने मासी ने हमें डांटा भी नहीं। लेकिन सच बताऊं, मुझे तो वो एक माता रानी की अवतार लगी। वो जैसी आई, ईरा छुट्टी भी बच गए, और देखने में भी कैसे सुंदर कोमल, फिर भी दबा जैसे कि माता रानी। ईशा, इनका आना सिर्फ एक इत्तफाक है। ईरा और छुटकी इनकी वजह से नहीं बची। हमें क्या पता कि जितनी भोली और सुंदर दिखती हो उतनी हो नहीं। या आंटी, जो भी हो, इनका और मासी का नाता ही कुछ अलग है। मुझे तो जानना है कि चेतना जी है कौन। वो कह रही थी उन्होंने कोई टेलीग्राम भेजा था। हाँ भेजा, मैंने देखा है, मैंने ही तो रखा था मासी के टेबल पे। शायद उसे पढ़कर ही कुछ पता चले कि चेतना जी कौन है, कहाँ से आई है। चल जाकर पढ़ते। ठाकुर, कटिंग, तुम दोनों भोला के कमरे पे नजर रखो। जाओ। मैं जाती हूँ, जो पता है टेलीग्राम कैसा दिखता है। Thank you.
फिर से खर्राटे ले रहा है, फिर से खर्राटे मार रहा है। अरे कहाँ ले रहा हूँ, चिमटी लगा तो रखी थी। क्या आवाज कहाँ से आई? होगा कोई। ओ उठ, उठ जाके देख आलसी के। उठ। क्या है? साला, ये दीदी के कमरे की खिड़की क्यों खुली हुई है? कोई साला चोर वोर तो नहीं घुस गया? काट डालूंगा। साला बच्चे कम थे खून पीने को, अब चेतना जी भी आ गई। लेट क्या? अरे कुछ नहीं दीदी, बिल्ली थी, चूहे खाना आई होगी सारी, सो जाओ। हाँ, और बुढ़िया के साथ इस बिल्ली का भी कल इंतजाम करना होगा। प्यारी देवकी, मैं 14 मई को शाम 7 बजे संस्कार आ रही हूँ, चेतना ओझा। आगे? आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ये देख। अगर इतना ही लिखा है तो इसे कुछ भी पता नहीं चलता है, सिवाय ये कि टाइम की पाबंद है चेतना जी। लिखा है 7 बजे पहुँचूंगी और पहुँच गई। इस पर ये स्टैम्प में किसी झंडे की तस्वीर है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है। दिखा, ये तो अमेरिका का झंडा है। अमेरिका का झंडा, मतलब ये अमेरिका से आई है? हो सकता है। अरे इतने दूर से काई के लिए आई ले बाप? बच्चे लेने, वो भी थोक में, विदेशी कारखानों में मजदूरी करवाने के लिए। क्या? मेरी ईशा, कारखाने में मजदूरी क्या होती है और अमेरिका? कुछ नहीं ईरा, हम तो बस ऐसे कुछ भी अनशन बोल रहे थे। और तू जाकर लेट जा, इतनी रात हो गई है। फिर तेरी ईशा कर तुझे अच्छी सी कहानी सुनाएगी, ठीक है? जा। ठाकुर, बच्चों के सामने कुछ भी मत बोला कर। सॉरी दीदी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस फिरंगी से ज्यादा चेतना जी से बहुत डर लग रहा है। ठाकुर, बुरा सोचकर कोई फायदा नहीं, और हम चेतना जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है वो एक अच्छी औरत हो, है ना?
और कल सुबह हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है यहाँ। बाकी हम माता रानी पर छोड़ देते हैं, ठीक है? एक पल है, एक पल के झड़ना सौरंग है।